हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम जनरल साइंस बायो के अंडर पढ़ेंगे फैट्स के बारे में। देखिए, हम बायो में यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं, विच इज न्यूट्रिएंट्स, और यू कैन से बायो मॉलिक्यूल्स और बैलेंस डाइट। ठीक है, उसमें हमने जाना कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। इंट्रोडक्शन पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है फैट्स। फैट्स को लिपिड्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो सकता है, 8 to 9 मिनट्स तक वीडियो जा सकती है। तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जो जो पॉइंट्स मैंने यहां पे लिखे हैं सेम एज इट इज अपने नोट्स में उतारें। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टोरी फॉर्मेट में यहां पे नहीं है। हर एक पॉइंट अलग से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देता है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं फैट्स की। तो फैट्स क्या होते हैं? दीज प्रोवाइड्स ट्वाइस द एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स हैं। आपके प्रोटीन्स हैं, एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना? तो वैसे ही आपके जो फैट्स हैं ये भी एनर्जी प्रोवाइड करवाने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं। अच्छा, विटामिन्स हैं, तो वो कैसे हैं? विटामिन्स डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अच्छा, कौन से डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं, कौन से एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स हैं? तो ये सब तो आपको मैंने जो फर्स्ट वीडियो पढ़ाई थी जहां पे बैलेंस डाइट या न्यूट्रिएंट्स के बारे में बेसिक चीजें पढ़ाई थी कि न्यूट्रिएंट्स क्यों जरूरी हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होती हैं, अगर हमारी डाइट में न्यूट्रिएंट्स ना हो तो क्या होगा, इस तरह की बेसिक सी चीजें पढ़ाई थी फर्स्ट वीडियो में। तो वो आपको जो है बायोलॉजी हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट में जाके यूनिट नंबर 3 के इंट्रोडक्शन पार्ट देखना है। ठीक है, वो आपने देख लिया, फिर आप यहां पे आगे की स्टोरी सुन सकते हैं। अब देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन उससे भी डबल एनर्जी हमें प्रोवाइड करवाते हैं फैट्स। हमारे खाने में जो फैट्स होते हैं वो हमें उससे डबल एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। अब जो 1 ग्राम फैट होता है वो हमें 37 किलो जूल, और यू कैन से 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, फैट्स जो होते हैं रिजर्व फूड मटेरियल की तरह एक्ट करते हैं। मतलब मान लीजिए आपने खाना खाया, ठीक है, उसमें एनर्जी प्रोवाइड करवाने वाली कोई चीज नहीं थी, एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स नहीं थे, तो उस केस में वो फैट्स जो आपके शरीर में ऑलरेडी होंगे, रिजर्व्ड फूड मटेरियल होगा, वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा और आपको ऐसा फील नहीं होने देगा कि आपके डाइट में किसी न्यूट्रिएंट की कमी थी। आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ आई हो। ठीक है, अब देखिए, ये एक्ट करते हैं एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। जो एक्सेस फैट हमारा है वो लीवर में जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, और इसको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं जब ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है, जब एनर्जी प्रोवाइडिंग कोई भी न्यूट्रिएंट हमारी डाइट में नहीं है, उस केस में ये एक्सेस फैट हमें एनर्जी देता है, हमें कार्य करने की ऊर्जा देता है। ठीक है, एज एंजाइम हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। अब एन एंजाइम, अच्छा, एक ऐसा एंजाइम भी है जो फैट्स के पाचन में, फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है, उसे क्या कहते हैं? लाइपेज। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा स्टोरी फॉर्मेट नहीं है, हर एक पॉइंट अलग इन्फॉर्मेशन देता है। ये बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, ये बोलता है कि रिजर्व फूड मटेरियल की तरह एक्ट करता है, ये बोल रहा है कि फैट्स को डाइजेशन में हेल्प करने के लिए या फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए, पचाने के लिए एक अलग से एंजाइम होता है जिसे लाइपेज बोलते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्या करता है ये? जो फैट्स हमारे, हमने कुछ खाना खाया, उसमें जो फैट्स होते हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है ना, उनको ब्रेक डाउन करता है, जिन्हें हम बोलते हैं फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने आपको कहा ना, स्टोरी फॉर्मेट नहीं है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो एक एक पॉइंट समझना है। एक बार जब समझ आ गया, उसके बाद तो जस्ट आपको रिविजन करना होता है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पढ़ा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जहां पे कार्बन प्रेजेंट होता है। तो वही चीज है, फैट्स जो है ना, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि इनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, प्लस दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अगर आपने सेल वाली वीडियो नहीं देखी है, बहुत ही अच्छे से मैंने हर एक चीज वहां पे एक्सप्लेन की है। अगर वो वीडियो आपकी छूट गई है, तो बायो हैंड रिटन नोट्स की पहली वीडियो ही हमारी सेल से स्टार्ट होती है, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, हर एक छोटी छोटी चीज मैंने वहां पे एक्सप्लेन की है। अब आ जाती है बात सोर्सेज की। अच्छा, कि फैट हमें किस चीज से मिलता है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फैट? तो यहां पे देखिए, घी है, बटर है, चीज है, मीट है, सोयाबीन है, ये सारे क्या है, हमें फैट्स प्रोवाइड करवाते हैं। अब जो फैटी एसिड्स है ना, हमने यहां पे पढ़ा देखिए ऊपर कि फैट्स को जो लाइपेज एंजाइम है ये ब्रेक डाउन करवाता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। तो ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं आपके सैचुरेटेड एसिड्स, एक होते हैं आपके अनसैचुरेटेड एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये इनका पूरा नाम है। अब यहां पे समझना ध्यान से जो मैं कहूंगी, ठीक है, कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ना, ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे,
जैसे कि कोकोनट ऑयल है, पाल्म ऑयल है, बटर है, घी है, जम जाते हैं ना ये रूम टेम्परेचर पे। और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर, जैसे वेजिटेबल ऑयल है, या आपका सरसों का तेल है, या आपका रिफाइंड है, ये सारे क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, है ना। तो अब आप समझ गए, सेचुरेटेड माने जो जमे होते हैं, है ना, सो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, रूम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं। अनसेचुरेटेड माने जो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड होते हैं। नाउ ये बोल रहा है कि हमारी डाइट में ना कम सेचुरेटेड फैट होना चाहिए, जो जम जाती है ना चीजें, ये चीजें हमें अपने खाने में कम खानी चाहिए, ठीक है। अच्छा आप कभी देखेंगे ना, सर्दियों में आप घी का तड़का लगाओ किसी में, आप रिफाइंड डालते हो या जो भी डालते हो, कड़वा तेल हम बोलते हैं जिसको, सरसों का तेल, वो डालते हो, वो ना डाल के आप उसमें प्योर घी का अगर हम तड़का लगाएंगे ना सर्दियों में और फ्रिज में रख देंगे, तो जब आप निकालेंगे कि अच्छा दूसरी बार खा लेते हैं, बच गया है थोड़ा सा, तो उसमें बिल्कुल घी जम जाता है ना। तो इसका मतलब कि वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, वो ऐसी चीज है जो जम जाती है, सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे, और हमेशा इस चीज से मोटापा आता है, तो बहुत मोटापा आता है इवन, और लेजीनेस भी होती है। घी वाली चीजें खा लो, तली हुई चीजें, तो ऐसा लगता है नींद आ रही है ना। तो ये हमें एनर्जी कम और हमें लेजीनेस ज्यादा प्रोवाइड करवाते हैं, इसलिए हमें अपनी डाइट में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की इनटेक कम करनी चाहिए, कम लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे भी इसी के बारे में कुछ बताया है, आप ना बस जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे सुनते चलें, लिखते चलें, थोड़ी बहुत जगह इस तरह से अपने नोट्स में रखते चलें, क्योंकि क्या होता है ना, एक साल, दो साल, तीन साल, कई बार चार साल की जर्नी भी हो जाती है, तो एक एक टॉपिक से रिलेटेड हमें बहुत सारी बातें पता चलती रहती हैं, तो इस तरह से आप अपने नोट्स अपने आप से अपडेट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अगर जब मैं सेकेंड टाइम कभी साइंस पढ़ाऊंगी, मुझे कोई नई चीज मिलती है, तो मैं अपनी वीडियो में वो चीज एडिट नहीं कर सकती हूँ, है ना, तो वो मैं नेक्स्ट टाइम मुझे कुछ मिलेगा मैं उन नोट्स में ऐड करूंगी। तो आपने वहां से खुद से, आपको नोट्स अपडेशन का काम आपका खुद का होता है, ठीक है ना, समझना इस चीज को। चलिए अब क्या होता है, अगर हम बहुत ज्यादा ये जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की इनटेक करें, तो हमारा ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, और उसकी वजह से हमें ये डिसीज हो सकती है, आर्टेरियोक्लेरोसिस। अच्छा आर्टरीज क्या होती हैं, वेन्स क्या होती हैं, अच्छा ये भी हम पढ़ेंगे ब्लड में, फिलहाल आप छोड़िए, ये ब्लड लेकर जाती हैं लंग्स तक, एक लंग से लेकर आती हैं बॉडी पार्ट्स तक, वो सब हम देखते हैं बाद में। तो ये जो डिजीज है हो सकती है अगर हम ज्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स लें, हमारे ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, और ये आर्टेरियोक्लेरोसिस हो सकता है। इसका मतलब है हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज होती है हमारी नसें, वेन्स होती है हमारी नसें, दोनों का फंक्शन अलग है बट चीज एक ही है, हमारी ब्लड की नलियां हैं लेकिन फंक्शन अलग है, फंक्शन क्या है वो हम देखेंगे। तो आर्टरीज जो है हमारी जम जाती हैं, जिसकी वजह से अब ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा, तो हमें हार्ट अटैक आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए हमारी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है, कुछ और चीजें हमें पढ़नी है। ये हम बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, क्या होता है ना, तो इस तरह की कुछ चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए लाइक बटन फटाफट से प्रेस कर दें, कोई भी फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसी के साथ दो तीन चीजें आपको बताना चाहूंगी, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं। हर एक चीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, लेकिन जनरल साइंस के अलावा आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। जनरल साइंस के नोट्स मैं अभी पढ़ा रही हूं, जब तक कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक आप इन्हें परचेज नहीं कर सकते हैं। अगर आप मेरे पुराने फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, आपको ये चीज पता होगी, बट इफ यू आर न्यू और आप चाहें कि नोट्स मिल जाएं इसके, तो अभी नहीं, साथ साथ में मैं नोट्स बनाती हूं और साथ साथ में वीडियोज बनाती हूं, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ हमारा आज का ये जो कंटेंट था फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट, सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। ना कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए जो हम अभी पढ़ेंगे, जैसे कि एसेंशियल फैटी एसिड्स। अच्छा कुछ ऐसे फैटी एसिड्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, जरूरी होते हैं, है ना। अब ह्यूमन जो है सिंथेसाइज कर सकता है फैटी एसिड्स को फ्रॉम द फैटी एसिड्स प्रेजेंट इन फूड टेकन, ठीक है। तो मतलब नेचुरली खुद से नहीं बना सकते ना, जो खाना मिलेगा उसमें थोड़ा होगा लेकिन उसे डबल अमाउंट में क्रिएट कर सकता है, बट खुद से नहीं बना सकते, तो हमें असेंशियली चाहिए फैटी एसिड्स थोड़ी बहुत अपनी डाइट में, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कोई लिक्विड चीज है, कोई ऐसा तेल, कोई ऐसा घी जो लिक्विड है लेकिन वो आपके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे, जब हम उसमें हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, तो वो हो गया हाइड्रोजिनेशन। अब थोड़ा सा वेल्स के बारे में देख लेते हैं। नाउ फैट ऑफ द स्किन फॉर्म्स अ थिक लेयर कॉल्ड ब्लबर। जो वेल्स की स्किन होती है ना, उनमें जो फैट जमा हो जाता है उसे एक अलग ही लेयर बन जाती है उनकी स्किन पे, जो जिसे हम बोलते हैं ब्लबर, जो ना सिर्फ रिजर्व फूड होता है बट उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखता है। बाहर जितनी मर्जी ठंड हो जाए उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। कैसे, मान लीजिए ये वेल्स की स्किन है,
ठीक है, तो उसके ऊपर एक अलग एक फैट्स की लेयर जम जाती है जिसे हम ब्लबर बोलते हैं, और वो उनके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखती है इरिस्पेक्टिव ऑफ बाहर ठंडा या गर्मी है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें थी। अब आता है कोलेस्ट्रॉल। नाउ दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इतना ही है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, वैक्स की तरह फैट, वैक्सी फैट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब वैक्स आप समझते हैं, इस तरह की कोई स्ट्रक्चर होती है जो हर बॉडी के सेल में आपको मिलेगी। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो है ये स्ट्रक्चर है जो हमारी बॉडी में इधर उधर ट्रेवल करती रहती है। ठीक है, तो हमारी ब्लड के थ्रू छोटे छोटे पैकेजेस के फॉर्म में ये ट्रेवल करती रहती है, और इन्हीं पैकेजेस को हम बोलते हैं लाइपोप्रोटीन्स। जैसे हमारा ब्लड, ब्लड आप समझते हैं हमारी नसों के थ्रू इधर उधर ट्रेवल करता है अलग अलग बॉडी पार्ट तक, हर एक बॉडी पार्ट तक जाता है, वैसे ही कोलेस्ट्रॉल भी जो है एक वैक्सी फैट लाइक स्ट्रक्चर होती है जो छोटे छोटे पैकेजेस के फॉर्म में ब्लड में ही इधर उधर जो है ट्रेवल करती है, और इसे हम बोलते हैं, इन पैकेजेस को हम बोलते हैं लाइपोप्रोटीन्स। अब ये जो लाइपोप्रोटीन्स हैं दो तरह के होते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स एंड हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, एलडीएल एचडीएल ऐसे भी बोलते हैं। जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है ना, इसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स है इसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ठीक है, अब बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, चलिए देखते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। अब देखिए, अगर बहुत ज्यादा हाई लेवल हो जाए ना एलडीएल का, बहुत हाई लेवल मानी बहुत लो हो जाएगा, तो उससे हमारी जो आर्टरीज है, मतलब जो नसें होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स, मैंने आपको बताया ना एक ही चीज होती है लेकिन इनके फंक्शन अलग होते हैं, इसलिए हम एक को आर्टरीज बोलते हैं एक को वेन्स बोलते हैं। ठीक है, नाउ अगर हाई लेवल ऑफ एलडीएल का मतलब है कि बहुत लो लेवल हो गया अगर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स का, तो उससे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी आर्टरीज में जम जाता है जो कि गलत चीज है, उसे हार्ट अटैक आ सकता है, इसीलिए लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स को बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। अच्छा, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स को गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कैरी करता है कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट से वापस लीवर तक, और लीवर क्या करता है, इसे रिमूव कर देता है हमारी बॉडी से। तो जितना भी कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में होगा, सारा का सारा जो है वो इकट्ठा होगा और लीवर में जाएगा, लीवर उसे हमारी बॉडी से रिमूव कर देगा, इसलिए इसे अच्छा काम कर रहा है तो इसे गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज में जम जाता है और ये रिमूव करता है, ऐसे आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो एक तरह से हमारी सेकेंड लास्ट वीडियो थी ये, इसके बाद एक छोटी सी वीडियो होगी 3-4 मिनट की जिसमें वाटर, रफेज, मिनरल्स, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपने क्या करना है, ध्यान से सुनना है, मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। अगर आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आती है, बेल आइकन को प्रेस करें, उसके बावजूद वहां पे पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन आता है फिर भी नहीं आती है, तो आप मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर लें। जैसे ही कोई वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करती हूं, उसी के साथ मैं लिंक शेयर कर देती हूं अपने टेलीग्राम अकाउंट पे, ताकि अगर आपको यूट्यूब पे नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, टेलीग्राम पे आ जाए। और ऐसा भी नहीं है कि टेलीग्राम पे बहुत सारी नोटिफिकेशन आपको आएंगी, हार्डली दिन में एक या दो या मैक्सिमम 3 वीडियोज मैं अपलोड करती हूं तो 3 ही नोटिफिकेशन आएंगी, वैसे कमी आएंगी बट एटमोस्ट 3 आएंगी, तो आपका ऐसा नहीं कि भर जाएगा पूरा टेलीग्राम अकाउंट फालतू की चीजों से, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।